शब्द का उच्चारण केवल आस्था ही नहीं बल्कि इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। ओम शब्द के उच्चारण से बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या आपको पता है ओम शब्द के उच्चारण सभी धर्मों में किए जाते हैं? क्या आपको पता है? नहीं पता तो ये वीडियो आप ही के लिए, जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंगे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद हैप्पी। ओम शब्द का उच्चारण सभी धर्मों में किया जाता है, ये सुनकर आप थोड़ा हर्ष करेंगे, लेकिन ये सच है। ओम शब्द का उच्चारण सभी धर्मों में किया जाता है, जैसे ईसाई धर्म में आमीन का उच्चारण, इस्लाम में आमीन का उच्चारण, सिख धर्म में ओमकार शब्द का उच्चारण जो कि ओम के ही रूप है, अंग्रेजी में ओमनी शब्द और भी धर्मों में भिन्न भिन्न तरीके से उल्लेख किया जाता है। तो ओम शब्द तो सभी जगह उच्चारण किए जाते हैं, बस उनका थोड़ा रूप बदल दिया जाता है। अगर हम ओम शब्द का उच्चारण करते ना, तो सच में ये प्रूफ्ड है कि हमारी बहुत सारी बीमारी ना ओम शब्द के उच्चारण से गायब हो जाती है। ओम शब्द को लेकर प्रोफेसर मैग्नर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब ये शोध में क्लियर हो चुका है कि ओम शब्द की ध्वनि से हृदय संबंधी और मस्तिष्क संबंधी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अगर हम डेली रूटीन में ओम का उच्चारण करें, कैसे? ओम के उच्चारण से जो ध्वनि निकलती है वो हमारे हृदय और हमारे मस्तिष्क पर डायरेक्ट असर डालती है, जो कि बहुत पॉजिटिव होती है, जिसकी वजह से हमारे हृदय और मस्तिष्क संबंधी जो समस्याएं हो जाती है वो दूर होती है। इस ध्वनि की तरंगों से जो रक्त संचार है वो तेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो मृत कोशिकाएं हैं वो भी सक्रिय हो जाती है और जो नई कोशिकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसके अलावा रक्त विकार जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ओम शब्द के उच्चारण से ना पाचन शक्ति बहुत तेज हो जाती है। कैसे? जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो ओम की जो ध्वनि निकलती है वो पेट से निकलती है, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत तेजी से वर्क करने लगता है। हाल में ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हार्वर्ड ने ये क्लियर तौर पे तथ्यों को सामने लाया और बताया कि जो बड़ी से बड़ी बीमारी है यानी एड्स जैसी बीमारी भी ओम के उच्चारण से ठीक हो सकती है। इसके अलावा थायराइड और बाजपन जैसी बीमारियां भी दूर हो जाती है। कैसे? ओम का उच्चारण चूंकि पेट से निकलता है, गले से होके जाता है, तो इस वजह से जो कंपन उत्पन्न हो जाता है, जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो हमारे थायराइड की ग्रंथियों पर डायरेक्ट असर डालती है और वो ठीक हो जाती है। तो इस तरह से हमारे शरीर पर वर्क करता है एक ओम उच्चारण। ओम के उच्चारण से ना तनाव और घबराहट तो दूर हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। इसकी तरंगे हमारे मस्तिष्क तक जाती है, जो कि बहुत एक्टिवली काम करती है। और आपने देखा होगा संस्कृत के जितने भी श्लोक हैं वो सभी ओम शब्द के उच्चारण से स्टार्ट होते हैं। तो ओम शब्द में इतनी पावर होती है। नींद नहीं आती कोई बात नहीं, बस एक ओम शब्द का उच्चारण कीजिए और आपकी नींद चुटकियों में आ जाएगी। कैसे? आप अपनी आंखें बंद कीजिए और ओम शब्द के उच्चारण को ध्यान में कीजिए, यानी उसे देखिए। आंखों को बंद करके ओम शब्द को देखिए और ओम शब्द का उच्चारण करते रहिए, बस आपको चुटकियों में नींद आने लगेगी। तो ओम शब्द में इतनी पावर है। अगर आपको सांस संबंधी प्रॉब्लम है ना, तो बस आप एक ओम शब्द का उच्चारण कीजिए और आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सांस संबंधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो आपको डेली रूटीन में ओम शब्द का उच्चारण करते रहना। आंतरिक अंगों पर भी मजबूती, जी हाँ, रीढ़ की हड्डी हो या फिर नर्व सिस्टम, सब पर वर्क करता है ये ओम शब्द। तो हमें ओम शब्द का उच्चारण तो करना ही चाहिए। ओम एक पवित्र ध्वनि नहीं, पॉजिटिव थॉट ही नहीं, बल्कि ये हमारे आंतरिक शरीर को भी बहुत मजबूत बनाता है। जैसा कि मैंने बताया, वो कहते हैं ना, जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा तन। तो अगर हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो हमें अपनी अंदर जो एनर्जी लानी है वो पॉजिटिव लानी है, तो हमारे
डेली रूटीन में ओम शब्द का उच्चारण तो जरूर करना चाहिए। वैसे भी ये तो मेरा काम था कि आपको बताऊं कि इनसे कितने फायदे होते हैं, लेकिन ये तो आपका काम है ना कि आप अपनी लाइफ में उसे अपनाते हैं या नहीं। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यार आप लोगों को सब्सक्राइब करने में 1 मिनट लगता, हमें तो 10 घंटे लग जाते एक वीडियो बनाने में। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते कहना ना भूले। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।